अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम लोग आए हैं अल्फा कॉलेज डॉज बॉल की ट्रेनिंग के लिए। डॉज बॉल की टीम में हमारे पास मैं हूँ, मेरे साथ शहरान खान है जो जी, और खेजर भाई हैं जो कराची की टीम से सेलेक्ट हुए। इसके अलावा फैसलाबाद के लड़के हैं जो कि 3 दिन में पहुँच जाएंगे कराची, तो फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग जो भी है हम लोग उनके साथ करेंगे। आज हमारी ट्रेनिंग जो है वो अल्फा कॉलेज के कुछ बॉयज़ हैं उनके साथ, और हम लोग मिल के करेंगे ट्रेनिंग। आज हमारा फर्स्ट डे ट्रेनिंग का, आज कोशिश करेंगे कि अपनी जितने एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की है। लास्ट नेशनल चैम्पियनशिप थी, उसके बाद एक और चैम्पियनशिप हुई थी सिंध गेम्स की, उस पर पार्टिसिपेट किया था हम लोगों ने, और उसके बाद से डॉज बॉल को हाथ भी नहीं लगाया है। तो डॉज बॉल की ट्रेनिंग का आज फर्स्ट डे है, तो पूरी कोशिश करेंगे अपने एफर्ट्स करें और अभी बॉडी को खोलेंगे, और 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इतना अपने अंदर एबिलिटी लिया है कि इंटरनेशनल टीम्स जो हैं उनसे हम लोग कम्पीट कर सकें, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोग मेडल लेके ही पाकिस्तान आएंगे। आज मुलाकात होगी 15 दिन बाद शहरान खान से, जो कि लाहौर गए हुए थे 15 दिन से। आज नहीं, कल उनकी वापसी हुई है और आज आ गए डॉज बॉल की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हम दोनों की सिलेक्शन हो गई है डॉज बॉल सऊदी अरब में, जो कि एशियन चैम्पियनशिप है। इंशाल्लाह हम लोग 20th को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे डॉज बॉल में, और आपको मिलवाते हैं शहरान खान से। तो जोजी भाई, कैसा रहा आपका लाहौर का ट्रिप, पहले तो ये बताएं। लॉर्ड द पाव ऑफ लावा, बहुत मज़ा आया यार, बहुत सड़क थी माशाल्लाह, एंजॉय किया। ट्रैक सूट कैसा लग रहा है मेरा? उसका ट्राउजर भी है लेकिन पूरे लाहौर के हिसाब से दूसरे से मैंने वापस किया। आवाज वहीं से लिए? जी मैंने वहीं से लिया था।
गुड मिस। पहले मारना था बहुत लेट कर दिया। आगे आगे भाई ट्रेनिंग कैसी रही आज की? ट्रेनिंग में यार झूठ नहीं बोल रहा मैं, हाँ कि मुझे यकीन नहीं था कि हम 1.5 साल के बाद भी जो है वैसे ही होंगे जैसे हमारे अंदर पहले से एनर्जी थी, करंट था हमारे अंदर। जो बात है यार, वाकई में हम मोटे मोटे हुए हैं, थ्रो भी नहीं निकल रही होगी, कैचेस मिस करेंगे, लेकिन अभी भाई अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गोल आ रहा है पाकिस्तान का। जब मैं स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रहा था ना, वाकई में थोड़ा पता चल रहा था कि यार आज जो है ना थ्रो में इतनी जान लगेगी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई। और अब जब ये फैसलाबाद से चल के आ जाएंगे, जब हमारी पूरी टीम हो जाएगी ना, उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी ना हमारी, वो फिर होगी इंटरनेशनल लेवल की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे जब फैसलाबाद के बॉयज़ आ जाएंगे कराची, और फिर आपको दिखाएंगे आपको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग। बाल कैसे लग रहे हैं मेरे बगैर कैप के? कैसे लग रहे हैं भाई कमेंट्स में बताएं। कैसी रही ट्रेनिंग आज की? अरबी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सही है सही है, करो अरबी की प्रैक्टिस भी करो और साथ साथ के फिजिकली अपने आप को वापस फिट करो ताकि वहाँ जाके खेलो ना। हाँ लेकिन अभी गेम में थोड़ा हल्का नजर आ रहे थे, जो नेशनल में देखा उससे काफी हल्का नजर आ रहा है। टाइम भी तो देखो कितना टाइम हो गया सर भाई, इंशाल्लाह माशाल्लाह पहला दिन का प्रैक्टिस का, कितने टाइम बाद करी आज? ये तकरीबन जो है वो 1.5 साल बाद जो है वो डॉज बॉल पकड़ी आज, डॉज बॉल जो है वो मौका मिला सही तरह खेलने का, और माशाल्लाह से 1 घंटे जो है वो हमने प्रैक्टिस की है। अब इंशाल्लाह 5-6 दिन लगातार रेगुलर करेंगे, 5-6 दिन लगातार जो है प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो है फिर हमारे इंशाल्लाह सऊदी अरब का टूर है, बाकी अल्लाह बेहतर करें। तो भाई आप सबने दुआ करनी है सऊदी अरब का टूर जो हमारा, उस पर एटलीस्ट जो है हम लोग गोल्ड मेडल तो लेके आए यार, गोल्ड नहीं आता तो सिल्वर आए, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना हमने। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग फाइट करें गोल्ड के लिए, क्योंकि फैसलाबाद के लड़के जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ से जोजी और मैं हैं और फिजर भाई हैं, तो टीम हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो नेशनल टीम हमारी चैम्पियन थी यहाँ पाकिस्तान की, तो वही जा रही है हमारी इस दफ़ा इंटरनेशनल पे, तो हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ से हम लोग मेडल लेके आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी कल है, तो इसी तरह जो है वो रोज़ाना हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, तो जब तक इवेंट होगा जब तक हमारा हाथ सट जाएगा। और यार कराची से भाई ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। डॉज बॉल बेसिकली जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है यहाँ पे कराची में, इतना ज़्यादा जो है वो इसका क्या बोलेंगे रुझान कराची में जो है इतना ज़्यादा रुझान नहीं है स्पोर्ट्स के, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि जो लोग खेलते हैं जिनको इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता है, अब तो जो है वो स्कूल और कॉलेज में भी खेला जा रहा है। हम सऊदी अरब जा रहे हैं तो अंत तक लिए सुना अफ्रीका।